पे आपको बरसों पानी लेके जाने वाला हूँ। बड़का गांव से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पड़ जाता है और काफ़ी लंबा है और पूरा आपको गांव को पार करने के बाद आप यहाँ पे बरसों पानी जा सकते हैं। चलिए वो मैं आपको पूरा विजिट करके आप दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। जैसे आप यहाँ पे बरसों पानी पहुँचिएगा तो सबसे पहले आपको चारों तरफ से यहाँ पे जंगल नज़र आएगा और चारों तरफ आपको यहाँ पे पहाड़ देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहुँच गया हूँ और बाकी आप यहाँ पे गाड़ी से आना चाहते हैं या अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो उससे भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसी में मतलब यहीं पर बरसों पानी ऊपर में, अच्छा इसी में है यहाँ में। पानी का तो आवाज आ रहा है, जब बारिश होता है ना उस टाइम पे ना पानी अच्छा होता है। बरसों पानी, मधुमक्खी कुछ नहीं करके चलिए वहाँ पर, वहाँ से आया वहाँ अपना चले चेक करने आए थे कि कोई यही है कि और कहीं कुछ है, यही है ना। टप टप गिरते रहता है, हाँ, पानी गिरते रहता है। ऐसा भी नहीं पानी कहाँ से आ रहा है किसी को कोई पता नहीं, पत्थर में भी नहीं गिर रहा है। हाँ बरसात यहाँ सो जाइए, ऐसे बारिश का बूंद गिरने पे नींद कितना अच्छा आता है। पीने लायक पीने पीने लायक ही होगा पानी, देखिए कितना नीट एंड क्लीन पानी है। देखिए वहाँ पर देखिए पानी एकदम क्लीन, ये पानी डायरेक्ट उठा के पी सकता है आदमी, पूरा आर पार एकदम शीशा जैसा एकदम साफ है ना। तो पानी भी धीरे धीरे नहीं आता, तेज से गिर रहा है, या हो सकता पत्थर में ऐसा कुछ रेशा होगा। बरसों पानी आवाज आ रहा है पानी का, गिर रहा है पर पत्थर से ही। बरसों पानी, मंदिर निर्माण राजू मुंडा, बाकी सहयोगकर्ता आप सभी गांव से बाहर के ही हैं, कृपया उचित सहयोग करें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक। राजू गुप्ता आप सभी का ऋणी रहेगा। खुटियन में सब खुटियन में देखी तो